So today we will start from page number 125, chapter 11. What is the name of chapter 11? That was Akshat Agrawal. Unmute कर लो बेटा अपने आप को. Yes, ma'am. हाँ, tables and chairs. Tables and chairs chapter का नाम है. हाँ. म्यूट मैम, अपने आप से आप लोग नहीं करते हो ना, फिर मैम को सबको म्यूट करना पड़ता है. इतना नॉइज होएगा तो क्लास समझ के चल. लड़की है उसी के घर से. कोई श्रेय नाम का है, उसी के घर से आवाज आ रही थी. ठीक है ना, बंद सबका. दिस चैप्टर वी विल कंटिन्यूइंग है ना, दिस यही चैप्टर चल रहा है ना. यस मैम, यस मैम. देखो फिर शुरू कर दिए ना. जस्ट वेट. कर पाऊ ना पेज के ऊपर कितना मुश्किल. बताओ. वेरी बैड, दिस इज वेरी बैड. रमा आप भी अनम्यूट कर लो बेटा अपने आप को. Yes, ma'am. अनुराग साउंड नहीं आना चाहिए बट ओनली अनम्यूट. साउंड आएगा तो मैंने सभी बच्चों को भी अनम्यूट किया. अक्षर, अनुराग और रमा, अगर साउंड आया किसी के यहाँ से तो वंस अगेन आई विल म्यूट इट. सो दैट यू विल टेक. ग्रंथ अनम्यूट करो. यस मैम. हाँ बस फोर बच्चे अनम्यूट हैं अभी. अभी यस मैम. पप्पी सुनो, आपकी शुक्राने बैग में आपका साउंड नहीं आ रहा. मैम आपका साउंड नहीं आ रहा अच्छे से. किसको भी नहीं आ रहा. मैम आपका साउंड नहीं आ रहा. मैम आ रहा है. ना हमको नहीं आ रहा. अरे तो बेटा आपके यहाँ कुछ प्रॉब्लम होगा, तुमने म्यूट तो नहीं कर दिया मुझे. मैम अभी आ रहा है. एक बच्चे को आ रहा है. यस मैम आने लगा. मैम आने लगा. यस मैम आने लगा. सीपी जो सी में मिलती. सर जो आई एम रेडी टू कम हियर. ब्रो इज नियर द सी. उसको थ्री फ्रेंड्स के लिए बनाना है. पूरा दिन उसने किया. देखो किसी के यहाँ से साउंड आ रहा है. मैंने फोर बच्चों को अनम्यूट किया है तो अपने आप को किसके यहाँ से आ रहा है, मैं सबको म्यूट करना पड़ेगा. बाय इवनिंग. मैम आपका साउंड बहुत अटक अटक के आ रहा है. होता है नेटवर्क. देखिए बीच बीच में हो जाता है.
मिस मैम क्या कहना चाह रही है सुनिए ध्यान से। अब उसने फ्रेंड एक नेकलेस बनाया उसके थ्री फ्रेंड्स थे कि एक दैट इज अयान केसरवानी नंसिका मैम आपका वॉइस नहीं आ रहा। यस मैम आपका वॉइस अच्छे से नहीं आ रहा है। यस मैम आपका वॉइस अच्छे से नहीं आ रहा। मैम वॉइस आ रहा है लेकिन आपका अटक अटक नहीं आ रहा है। मैम कट कट के आ रहा है। मैम नेटवर्क भी हम लोग का सही है आपके वॉइस नहीं आ रही। वॉइस नहीं आ रहे ना। यस मैम हमारा भी नेटवर्क सही है। यस मैम हमारा भी तुम्हें भी नहीं आवाज आ रही आरुष? नो मैम अटक अटक बहुत अटक अटक के आ रहा है कुछ नहीं दे रहा बोल बहुत अटक अटक के आ रहे हैं मैम। अभी तो मैंने क्लास छोड़ लिया उन बच्चों ने तो नहीं बोला इतना अटक के आ रहा है उन बच्चों ने तो ठीक क्योंकि मैम हम लोग को तो बहुत अटक अटक के आ रहा है। यस मैम है ना। जब वापस अगर स्कूल रीओपन होते हैं मंडे से तो देन आई विल एक्सप्लेन अगेन आपको क्लास में चल रहा है मंडे से रीओपन होगा अगर होते हैं तो अगर होते हैं तो ओके मैम तो फिर वापस से एक्सप्लेन करूंगी इसको ठीक है। यस मैम ओके ओके मैम मैम कुछ सुनाई नहीं दे रहा। यस मैम मैम कुछ भी नहीं दे रहा कुछ समझ नहीं आ रहा। नो मैम आपकी एक भी आवाज नहीं समझ आ रही है। नो मैम एक भी नहीं अभी भी नहीं आ रही मैम अभी हल्की हल्की आ रही है पहले नहीं आ रही थी हल्की हल्की आ रही है अभी लेकिन कट कट के अभी भी आ रही है। यस मैम अब क्या ही कर सकते हैं इसके लिए। चलिए अच्छा बुक नहीं लगा है तो अभी थोड़ा ठीक सुन रहा है ना पहले से अभी थोड़ी ठीक आ रही है पहले से। यस मैम अभी अभी अच्छा है मैम अभी अच्छी से आ रही है। ठीक है तो चलो बुक लगाते आपको ऐसे दिखाते ही वाला पेज आपने निकाला हुआ है ठीक है। यस मैम हाँ तो यहाँ से रीड करते हैं आप देखिए यहाँ से टोटल के पास कितने थे 112 थे है ना मैम। तो वन अब उसको थ्री फ्रेंड्स के लिए नेकलेस बनाना था थ्री फ्रेंड्स के लिए तो वन के लिए उसने 28 यूज किया टोटल 112 है ना उसके पास फिर अब उसने 28 कम हो जाएंगे ना अगर उसने एक नेकलेस में इतने यूज कर लिए तो 28 कम हो गए अब उसके पास 80 है ना फिर वन नेकलेस बन गया उसका वन नेकलेस रेडी हो गया देन अगेन ही स्टार्टेड मेकिंग टू अनदर वन अब उसने 84 से फिर एक और नेकलेस बनाया तो इससे 28 उसने उसके पास 56 ये सेकंड नेकलेस उसका रेडी हो गया ओके सेकंड नेकलेस रेडी हो गया देन अगेन अब उसके पास कितना बचा 56 बचे ना देन अब यस मैम बनाया उसने हाउ मैनी 28
रेडी मैम, टोटल फोर नेकलेस बना पाएगा वो? यस मैम, टोटल फोर नेकलेस बन जाएंगे, रेडी हो जाएंगे। यहाँ पे 28 लास्ट, एट लास्ट वी गेट इट हियर जीरो, है ना? तो अब 112 से हमने 28 को कितने टाइम सब्ट्रैक्ट किया है बताइए? फोर टाइम सब्ट्रैक्ट किया है। हाँ, अब देखिए अगर हम ऐसे लिखते हैं तो आंसर क्या आता है? फोर आता है ना? यस मैम। हाँ, इट मींस अगर हम इससे रिपीटेडली, देखिए वही सेम नंबर को हमने बार बार सब्ट्रैक्ट किया है, वी गेट इट हियर जीरो एट लास्ट। मीन्स क्या है डिविजन? व्हाट इज डिविजन? डिविजन इज ए रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, है ना? Yes, अगर इन दोनों नंबर को हम मल्टीप्लाई कर दे वापस से तो क्या आंसर मिलेगा? डिविडेंड 112 है ना? तो ये क्या है बताइए, इसको क्या बोलते हैं? डिविजन के आंसर 112 डिविजन के आंसर को व्हाट वी टेल दैट? डिविजन का आंसर दैट इज क्वेश्चन, क्वेश्चन रिमाइंडर नहीं, ये क्या है? डिवाइजर, डिवाइजर, डिवाइजर मैम। हाँ, दैट इज डिवाइजर, जिससे डिवाइड करते हैं, डिवाइजर, दैट इज डिवाइजर। यस मैम। एंड दैट इज डिविडेंड, 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 डिविडेंड। अगर हम डिवाइजर और कोशेंट को मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइजर और कोशेंट को मल्टीप्लाई करें तो हमको वापस से क्या मिल जाता है? क्या डिविडेंड? डिविडेंड, डिविडेंड, डिविडेंड। तो अब यहाँ पे कुछ आप किस में ब्लैक बच्चे, अभी मैं थोड़ी देर के लिए बुक ओपन, अब मैं बुक ओपन कर रही हूँ तो उसमें फिल कर रहे ना, ये वाला पेज मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, मैं आंसर वहां पे बता दे रही हूँ, तो फिल द आंसर। यस मैम, ओके। सो हियर, यहाँ पर हाउ मेनी सेल्स आर लेफ्ट नाउ? देखिए इसने यहाँ पर 112 से 28 कम किया 34, अब यहाँ पे कितना बचा उसके पास? जीरो, जीरो बचा यहाँ पर, यहाँ पर 84। तो क्या 84 माइनस 28 इक्वल 56, देन यू राइट हियर। अब यहाँ पर कितना बचा? देन ही लुक सेल फॉर थर्ड नेकलेस, अब थर्ड नेकलेस बना रहा है। Now throw. यहाँ पर थर्ड नेकलेस बनाने के बाद उसके कितने बचे उसके पास? 28 उसने बना लिया, देन ही लेफ्ट विद 28 सेल्स। देन हाउ मेनी नेकलेस कैन थ्रो मेक फ्रॉम दिस वन? कितने बना सकता है वो इससे? फोर, फोर, फोर मेकिंग नेकलेस फॉर ऑल हिज फ्रेंड, उसके टोटल फ्रेंड कितने थे? कितने फ्रेंड्स के नेकलेस बनाने के लिए? यस और नो? हाँ, यस ना, थ्री। जस्ट क्वेश्चन, व्हाट इज क्वेश्चन आस्किंग? आर द सेल्स एनफ फॉर मेकिंग, क्या सेल्स पूरे हैं उसके फ्रेंड्स के नेकलेस बन जाएंगे ना? यस और नो? यस, यस, यस। सो यू फिल क्लियर? यस, यस, यू कैन मेक, है ना? यस, यू कैन मेक। यस डन मैम, है ना? देन इन नेकलेस ऑफ 73 सेल्स, है ना? एक नेकलेस बनाने के लिए कितना यूज कर रही है? 70।
ठीक है। तो 100 आप उसके पास देखिए, हाँ पर ये वाला वर्ड सम रीड करिए, ये दिस वन, हाउ मैनी सच नेकलेस कैन बी मेड यूजिंग 100 सी सेल्स। अब उसके पास 100 है, 100 सेल्स है। अब देखिए मैम को आवाज आ रहा है, अब क्लियर आ रहा है मैम को, कुछ आवाज सुनाई दे रहा है? यस मैम। नीचे वाला मैं रीड कर रहे हैं, सबसे नीचे मैम बीच में बड़ा लंबा लंबा सा आता है, क्या आता है, क्या आता है, लंबा लंबा सा खींचने लगता है बहुत आवाज। अच्छा थोड़ा सा डिस्टर्ब है बेटा इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी इसके बाद अभी डिस्टर्ब लेकिन लेकिन समझ आ रहा है, आ रहा है ठीक है। Yes, हाँ 100 थे ना अभी, अब उसके पास आ रहा है, उसके पास कितने सीसेस, नीचे वाला क्वेश्चन है 100 है उसके पास, 100 है टोटल, कितने हैं 100, और एक नेकलेस के लिए वो यूज कर रहा है, यूज कर रहा है 17, अब वो कितने बना पाएगा, हाउ मेनी नेकलेस कैन बी मेड बाय यूजिंग 100 सीसेस, है ना, कितने बना पाएगा बताइए। आप ये बताइए,
हाउ सच नेकलेस कैन बी मेड अब वो नेकलेस कैन बी मेड हाँ तो ये वाला तो ये वाला यू नोट इट नोट करना है प्रेयर नोटबुक में प्रेयर वाले में तो यस मैम नेकलेस बना सकते हैं फाइव And 15 cells. Mam, note karna hai isko. You have to note. Uske paas 15 bach jayenge and we can make 5 decorations. 5 wo banayega. Mam, sign please. हल्ला मत करो नो मैम नो मैम यस मैम नो मैम बेटा जल्दी थोड़ा फास्ट करेंगे इतना टाइम यस मैम वन मिनट प्लीज आप बाद में भी कर सकते हो यस मैम कुछ नहीं समझ आ रहा नहीं आ रहा है किसी को नहीं आ रहा है आपका तो बहुत साउंड आ रहा है आपका तो बहुत साउंड आता है मुझे अच्छा देखिए जब मैं बोर्ड के पास जाती तब आपका साउंड बंद हो जाता है जब आप वापस आती तब आपको साउंड आता है अच्छा यस मैम यस मैम अभी आ रहा है साउंड लेकिन जैसे ही आप बोर्ड की बजाती हैं वैसे बंद हो जाता है है क्या माइक को इसको ठीक है अब 13 का टेबल लर्न होना चाहिए अब देखिए टू नंबर्स हैं तो इधर भी हम 3 को थोड़ी और जो डिवीजन होता है वी विल स्टार्ट इट लार्जेस्ट प्लेस से बड़े प्लेस से स्टार्ट करते हैं काम करते जाता हम करना है ना नंबर So we will start from the largest place. Largest place is start करते हैं और multiplication start होता है कहाँ से start होता है smallest place से है ना और अक्षत अग्रवाल यस मैम place से start करते हैं बेटा मैम voice नहीं आ रही मैम voice नहीं आ रही अभी भी नहीं आ रही है तो बिना अब बोर्ड के बिना बजाए कैसे पढ़ाएंगे अच्छा बताओ जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो हम कौन से प्लेस से स्टार्ट करते हैं स्मॉलेस्ट की नाम पीछे साइड से करते हैं वन प्लेस से होता है ना जब मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं तो वन प्लेस पीछे पीछे मैं वही पीछे मतलब वन प्लेस मल्टीप्लिकेशन में हम आगे की तरफ जाते हैं बड़े नंबर की तरफ बिगर की तरफ मूव करते हैं आगे आगे की तरफ आगे आगे से पीछे होता है हाँ डिवीजन में ऊपर से हम नीचे क्योंकि डिवीजन में नंबर कम होते हैं और मल्टीप्लिकेशन में नंबर और मल्टीप्लाई में बढ़ाना है बढ़ाते डबल करते हैं
टेस्ट है ना, 36 अगर थ्री टाइम रीड करते हैं दैट मींस 26 कितना बचा बताइए? 11 कैसे बचा? ये नो मैम 11 बचेगा, मैम 11 9 बचेगा मैम, मैम गलत जोड़ दिया था, 11 नहीं बचेगा 9 बचेगा। कितने बार करें? कितने टाइम करें आप? अब टेबल कर 30 से ज्यादा ना हो, रिमाइंडर फाइव क्या है? रिमाइंडर। अब आप अपना आंसर कैसे चेक करोगे और उस अनम्यूट करके बताइए, आप कैसे चेक करोगे डिवीजन का? अगर आपने सही किया है कि रॉन्ग किया, अनम्यूट करो आंसर। बताइए कैसे चेक करेंगे? नवनीत अनम्यूट करो बेटा, बताओ कैसे चेक करते हैं? डिवाइजर और कोशेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो डिविडेंड है वो आ जाता है, और रिमाइंडर है तो फिर उसमें रिमाइंडर को ऐड कर देते हैं। रिमाइंडर को ऐड कर देंगे तो पूरा क्या जो डिविडेंड है वो आ जाएगा, इससे आ जाएगा। देखिए जैसे 27 मल्टीप्लाई बाय 13 और 5 एडिशन, तो 1% भी गेट द डिविडेंड हमारा, फिर से वही जो सम था। तो इट मींस वी कैन चेक आवर आंसर इन अब नेक्स्ट लॉन्ग नंबर से हम डिविजन कैसे करते हैं? सपोज 28 से डिविजन करना है आपको या 35 से करना है, 36 से करना है, तो हाउ कैन वी डिवाइड द मैम? आपकी वॉइस नहीं आ रही। नहीं आ रही, चलो कुछ होमवर्क बोर्ड पे लिख दी। मैम नोट करना है इसको। मैम इसको राइट करना है। दिस इज द होमवर्क, डिवाइड ये नंबर्स डिवाइड एंड यू हैव टू नो द आंसर डायरेक्टली। आप मैम इसको आपके पर्सनल नंबर में सेंड करना है वर्क। जब स्कूल खुलेगा देन यू कैन शो मी, स्कूल ओपन होगा ना देन यू कैन शो मी, बुक में करके रखिएगा। ओके मैम साइड प्लीज, साइड प्लीज। डिवाइड 15 3 7 2 5